तो फ्रेंड्स, आपने पहले के वीडियो में देखा जिसमें हमने ग्लास इफ़ेक्ट केक बनाया था, तो इसी केक में हम थ्रेड पेंटिंग भी बना रहे हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें। तो थ्रेड पेंटिंग बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक धागा लेना रहता है, जैसा कि वीडियो में दिखाया गया है। फिर इसको फूड कलर से हम कलर करेंगे, रेड कलर से। थोड़ा रेड कलर क्या अट्रैक्टिव लगता है, जिस प्रकार वीडियो में बताया गया है, आप वीडियो में जिस प्रकार बताया गया आप वैसा ही करेंगे, तो आपका बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही पेंटिंग में कलर इफेक्ट आएगा। ये देखिए थ्रेड को हम धीरे धीरे केक पर रखेंगे। ग्लास पेंटिंग में हम थ्रेड ग्लास इफेक्ट में हम थ्रेड का यूज़ करके थ्रेड पेंटिंग भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये एक केक में हमने दो चीज़ें कवर की हैं, ग्लास इफेक्ट और थ्रेड पेंटिंग।